मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के 212 विद्यालय जर्जर हालत में हैं, जिसके बाद उनकी सूची तैयार कर ली गई है और जल्द से जल्द उनको दोबारा बनवाने के लिए भी काम किया जाएगा। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार का यह कहना है कि मुरादाबाद के 212 विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिनकी सूची तैयार की जा रही है और साथ ही उनको दुरुस्त करने के लिए भी काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग में 212 विद्यालय जो जर्जर हालत में हैं, अब उनकी सूची तैयार कर ली गई है और जल्द ही उन विद्यालयों को दोबारा बनाने के लिए काम किया जाएगा। मुरादाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया, जनपद के 212 विद्यालय जो जर्जर हालत में हैं, उनकी सूची तैयार कर ली गई है, जल्द ही उनको दुरुस्त करने के लिए काम किया जाएगा और विद्यालयों को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए कार्य शुरू होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के साथ सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया, सर मुरादाबाद में जो विद्यालय जर्जर हालत में हैं, तो ऐसे में क्या कार्य कर रहा है बेसिक शिक्षा? जनपद मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में 212 विद्यालय या उनके अतिरिक्त कक्ष जो जर्जर हैं, उनको चिन्हित किया जा चुका है, जिनकी संख्या 212 है। इसके मूल्यांकन के लिए RES के एक्शन की अध्यक्षता में समिति गठित की जा चुकी है, जिसमें PWD विभाग के AE और लघु सिंचाई विभाग के AE सदस्य होंगे। इनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ जिन विद्यालयों की हमें मूल्यांकन की रिपोर्ट आ रही है, उनकी ध्वस्तीकरण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होता है और जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान के सहायक वित्त लेखाधिकारी और ADO पंचायत मेंबर होते हैं, उनकी देख रेख में ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो सर ऐसे में विद्यालय जो जर्जर हालत में इस समय वहाँ पर क्या कार्य चल रहा है जिससे कोई समस्या पैदा ना हो? नहीं, चूँकि अभी विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं और हम लोगों ने पहले भी आदेश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में जर्जर विद्यालय में या जर्जर कक्ष में किसी भी बच्चे को ना बैठाला जाए। क्या माना जा रहा है सर, ये जो 212 विद्यालय हैं, उनका काम कब तक पूरा करने की आशा उम्मीद है? हम बहुत जल्दी ये काम पूरा कर लेंगे और विभाग से इसकी जगह अतिरिक्त विद्यालय या इनकी जगह जो भी भवन है, उसके निर्माण की मांग करेंगे।